जी नमस्कार, हमारे YouTube चैनल लखनऊ नामा में आपका स्वागत है। आज का इस वीडियो का टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अगर आप हमारे चैनल लखनऊ नामा पर नए हैं या लखनऊ विश्वविद्यालय या उससे एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको सारी अपडेट्स हमारे चैनल पर मिलती रहती है टाइम टू टाइम। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो में हम क्लियर पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में फरवरी में एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं। दूसरा, एक और न्यूज़पेपर की कटिंग सर्कुलेट हो रही थी सारी यूनिवर्सिटी के बच्चों में कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया है कि एग्ज़ाम किसी भी हालत में कराए जाएंगे। तो इन दोनों पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं, आपके डाउट्स जो है उसको हम क्लियर करते हैं। मैं आपको बता दूँ, कल जो न्यूज़पेपर में दिया हुआ था लखनऊ विश्वविद्यालय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या उन्होंने क्या निर्णय लिया है, क्या प्लानिंग की है, उसमें सीधे सीधे तौर पे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें यह पता लग जाएगा कि जो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, मतलब जो एग्ज़ाम्स हम लोग के थे एमए लास्ट ईयर वालों के 14 से स्टार्ट थे वो हो गए, और जो एग्ज़ाम्स पहले उससे 31st से पहले थे, 31st तक हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन है, उससे पहले जितने एग्ज़ाम थे उनको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, मतलब वो एग्ज़ाम्स पहले होंगे, और जो फर्स्ट फैब सेकंड थर्ड ऐसे में स्टार्ट होने थे उनको बैक शिफ्ट किया जाएगा, मतलब वो एग्ज़ाम्स बाद में होंगे फर्स्ट फैब सेकंड फैब वाले। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी, जो एग्ज़ाम 31st के अंदर थे उनको पहले कराया जाए, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फैब इतने में थे उनको अलग शिफ्ट किया जाएगा। कुछ ऐसी प्लानिंग कर रही है विश्वविद्यालय, क्योंकि हमारा सेशन पहले से ही लेट चल रहा है इसलिए एग्ज़ाम्स को बहुत जल्दी कराने में देरी हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी कराए जाएंगे क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल हो भी सकती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें हमारी DSW मैम भी जुड़ी हुई है, उन्होंने ये चीज़ें ज़रूर क्लियर कर दी है कि क्या नाम है, सिचुएशन को देखते हुए, मतलब अगर कोविड की सिचुएशन ठीक रही, अच्छी रही, नॉर्मल रही, तभी आपके एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे, अदरवाइज उस पर विचार किया जाएगा कि कैसे आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाए, या फिलहाल के लिए और पोस्टपोन किया जा सकता है अगर सिचुएशन वर्स्ट होती है, सिचुएशन बहुत ख़राब होती है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय अपने छात्र को की बहुत अच्छी चिंता करता है, एग्ज़ाम 31st तक पोस्टपोन किए, थोड़ा टाइम लगा था लेकिन पोस्टपोन हुए। लेकिन मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूँ, चाहे ऑफिसर्स हों लखनऊ विश्वविद्यालय के, चाहे कोई भी प्रशासन का आदमी हो, कोई नहीं चाहता कि छात्र के लिए कोई समस्या खड़ी हो, और लखनऊ विश्वविद्यालय के DSW मैम ने यह जरूर क्लियर कर दिया कि सिचुएशन जो नॉर्मल होगी तभी आपके एग्जाम्स होंगे। लेकिन मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूँ, उनका एक दूसरी लाइन भी थी जिसको उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि आप अपनी पढ़ाई जो है एग्जाम्स की प्रिपरेशन है उसको बिल्कुल कॉन्टिन्यू रखिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स आपके एक हफ्ता पहले आपको नोटिस मिल जाएगी जरूर, ये लखनऊ विश्वविद्यालय का नियम है, हर विश्वविद्यालय का नियम होता है कि एग्जाम से एक हफ्ता पहले आपको इन्फॉर्म जरूर किया जाता है शेड्यूल के साथ। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जरूर कंटिन्यू रखिए, और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएंगी या शेड्यूल आएगा या फिक्स हो जाएगा कि फैब में एग्जाम्स होने हैं आपके, वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल वीडियो को एंड होने से पहले मैं आपको दोबारा से एक चीज़ रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम 31st के अंदर थे वो पहले होंगे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फैब में जो एग्ज़ाम्स होने थे ये बाद में होंगे। ये थी पूरी कल की न्यूज़ की जानकारी, और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के न्यूज़ से जो आपका उसका लखनऊ विश्वविद्यालय से कोई नाता नहीं है, वो अलग यूनिवर्सिटी है, लखनऊ विश्वविद्यालय अलग यूनिवर्सिटी है, तो कोई ऐसे न्यूज़ सर्कुलेट करने से उससे घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपके एग्ज़ाम्स होंगे, शेड्यूल आएगा, आप प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए, पढ़ाई थोड़ी बहुत करते रहिए।